दिन जमानत पे बाहर आऊंगा, मेरी पिस्टल ता महंगा तरह लहंगा ले आऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ देवनाथ पांडे। तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ जाता है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के चैन सिंह और शानू सागर के बारे में, जिन्हें अब क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है और क्राइम ब्रांच को ये कामयाबी जो है 10 दिन के माथापच्ची के बाद मिली है। दुर्लभ कश्यप गैंग के जो चैन सिंह और शानू सागर हैं, ये दोनों इंदौर में आज से 10 दिन पहले हीरानगर इलाके में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित की हत्या करके फरार हो गए थे। और उससे भी अलग बात यह है कि ये लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे थे और अपनी फरारी के दौरान ये वीडियो अपलोड कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये सख्ती दिखाई और इनकी गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में दबिश भी दी गई। लेकिन फाइनली ये गिरफ्तार हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर वो ये सोचता है कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून को भी हम मतलब इस तरह से वीडियो डाल के भ्रमित कर सकते हैं, लोकेशन बदल के भ्रमित कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसा। देखिए, चैन सिंह के पिछले काफ़ी लंबे समय से, यानी कि इस कांड की अगर बात छोड़ दी जाए, इससे पहले की अगर बात की जाए, तो चैन सिंह के काफ़ी लंबे वक्त से फरार चल रहा था और वो उज्जैन में नहीं था। और चैन सिंह को ये लगता था कि अब मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन आखिरकार जब पुलिस हरकत में आई और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो चैन सिंह पकड़ा गया। और इसका अंदेशा पहले ही हो गया था कि चैन सिंह और शानू सागर की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जब पहले इनके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पे जब वीडियो अपलोड करने लगे, और पुलिस को एक तरह से चैलेंज करना ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि आपको पुलिस खोज रही है और आप लगातार सोशल मीडिया पर ये दिखा रहे हैं कि मैं कितना बड़ा गैंगस्टर हूँ और अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को अब नहीं छोड़ूंगा, कुछ इस टाइप का पुलिस ने इस चैलेंज को लिया और चैन सिंह को 10 दिन के बाद ही सही लेकिन गिरफ्तार कर लिया। और अब जो बाकी के और साथी हैं, उनकी भी तलाश पुलिस बहुत शिद्दत से कर रही है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, इन बदमाशों की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। ग्वालियर में ये चिपकर रहे थे और इससे पहले भी ये लगातार अपने सहयोगियों के कभी खेतों में बने घर में, जैसे हम फॉर्म हाउस कहते हैं, उनमें छिपे थे। कभी ये उस पर घूमते हुए गाना बनाकर वीडियो बनाकर डालते थे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी के बाद दुर्लभ कश्यप गैंग एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। साथ ही दुर्लभ कश्यप गैंग का एक विरोधी गैंग भी है, जिसे हम केकेसी मंडली कहते हैं, नाम से जानते हैं। और वो लोग भी कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पर आते थे, तो दुर्लभ कश्यप गैंग के, खास करके इस बदमाश चैन सिंह को, वो लोग भी चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस हत्याकांड के बाद उन लोगों ने शांति बना लिया है, अब वो लोग कुछ ऐसी हरकतें नहीं करते। फिलहाल देखना है होगा कि चैन सिंह के बाकी सहयोगों की गिरफ्तारी कब होती है और चैन सिंह के साथ आगे क्या कुछ होता है, उसे किस जेल में भेजा जाता है। बहरहाल आपको हम पल पल के अपडेट दे रहेंगे। आप बने रहिए वीडियो न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय श्री महाकाल।